आपने यह नोटिस किया होगा कि जब आप किसी गली में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे डॉग्स रहते हैं और वो एक अपना एरिया डिसाइड कर लेते हैं और चारों कोनों में बैठ जाते हैं कि भाई अगर कोई भी दूसरा डॉग्स हमारे एरिया में एंटर करता है तो हम उसके ऊपर भूस भूस के उसको प्रतिकर्षित कर देंगे, उसको अपने एरिया में से भगा देंगे, मतलब उसको अपने एरिया में आने नहीं देंगे। कुछ इसी तरीके का टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवेश के ऊपर, जिसका नाम होगा विद्युत क्षेत्र। जी हाँ, जिस तरीके से डॉग्स का एक एरिया होता है वो अपने आसपास किसी दूसरे डॉगी को एंटर होने नहीं देते हैं, सेम इसी तरह हम देखेंगे क्या आवेश भी ऐसा ही बिहेव करता है, क्या आवेश के पास भी एक अपना क्षेत्र पाया जाता है नहीं पाया जाता, और यह क्षेत्र कितना लंबा होता है, यह क्षेत्र कितना बड़ा होता है। जैसे एक तो इलाका होता है डॉग्स का और दूसरा होता है बेटा शेर का। शेर बेटा पूरे जंगल पे राज करता है, उस जंगल में अगर कोई दूसरा शेर राजा होने का दावा करे तो उनमें लड़ाई हो जाएगी और वो उसको प्रतिकर्षित कर देगा। क्या इससे भी बड़ा कोई इलाका होता होगा? होता है। किसका होता है? जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत आवेश। जी हाँ, आवेश के आसपास एक ऐसा क्षेत्र पाया जाएगा जिसमें अगर कोई अन्य आवेश आ जाता है तो वो उसको आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। ये डिपेंड करेगा बेटा कि आने वाला कौन है। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर एंड क्लासेस आर कंडक्ट बाय ध्रुव स्कूल। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, एक आवेश की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होता है, बहुत सारे आवेशों की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। आपको यह तो पता होगा कि आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है उसका नाम है फेराडे। जानते नहीं जानते कि सर कूलाम तो हमारे को समझ में आ गया कि कूलाम किस लिए रखा गया बताओ, क्योंकि सर कूलाम ने दो आवेशों के मध्य बल बताया तो क्या नाम रख दिया गया? कूलाम रख दिया गया मात्रक का नाम। अच्छा सर, उसके बाद फ्रैंकलिन भी रखा गया था सर, फ्रैंकलिन ने भाई आवेशों के बारे में बताया था जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो इसलिए फ्रैंकलिन रख दिया गया। अच्छा, तो फेराडे ने ऐसा क्या किया? तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे माइकल फेराडे ने क्या सोचा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो आज आने वाला है हमें बहुत ही बेहतरीन मजा, तैयार हो जाओ, आ जाओ। चलिए तो शुरू करते हैं भाई विद्युत क्षेत्र। क्या शुरू करने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र। क्या बताया हमने? हमने आपको ये बताया कि सर आप एक आवेश के बारे में बताने वाले हो कि भाई एक आवेश होता होगा, मान लो मैंने ये प्लस क्यू आवेश ले लिया, तो आप कह रहे हो कि इसके आसपास एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश आ जाएगा तो यह आवेश उसको प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा। इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो कि सर इसका इसका ये वाला क्षेत्र है, मान लो इसका ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। अगर यहाँ पर सर सपोज करो कोई दूसरा आवेश आ जाता है, मान लो ये आ गया प्लस क्यू और ये इसके पास चलता हुआ आ रहा है, तो शायद आप समझ गए होंगे ये वाला आवेश इस प्लस को देखेगा और देखते ही क्या कर देगा इसको, जैसे ही ये इसके फील्ड में एंटर करेगा या क्षेत्र में एंटर करेगा इस पे कौन सा बल लगा देगा बताओ? प्रतिकर्षण बल लगा देगा। लगा देगा नहीं लगा देगा? लेकिन आप खुद सोचें, ये वाला जो आवेश आएगा यह भी तो अपने साथ में विद्युत क्षेत्र लेकर आएगा, नहीं लेकर आएगा? मान लो इसका विद्युत क्षेत्र ये रहा, तो सर प्रतिकर्षण बल तो यह भी लगाएगा और प्रतिकर्षण बल यह भी लगाएगा। अरे जब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे तो हम पता कैसे लगाएंगे कि किसने कितना बल लगाया, किसमें कितनी ताकत है? बात आई, समझ में नहीं आई? तो इसका पता लगाने के लिए माइकल फेराडे ने एक कल्पना करी और कल्पना के लिए उन्होंने एक आवेश लिया जिसको बोलते हैं बेटा परीक्षण आवेश, जिसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को हम लोग स्टार्ट अभी रिप्रेजेंट करेंगे बेटा स्मॉल क्यू नोट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू नोट से रिप्रेजेंट करा जाता है कि सर ये कैसा आवेश है बेटा, ये काल्पनिक आवेश था। उन्होंने इसके बारे में कुछ और कल्पनाएं करी। क्या क्या कल्पना करी? पहली कल्पना तो यही करी कि भाई इसका कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, इसका कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। क्षेत्र का मतलब क्या है? वो क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आएगा तो बल लगाएगा, इसका मतलब इसका कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। दूसरी कल्पना क्या करी? दूसरी कल्पना ये करी कि यह हमेशा पॉजिटिव होगा, इसकी नेचर हमेशा कैसी मानी जाएगी बेटा? पॉजिटिव मानी जाएगी। और तीसरी बात, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। बहुत कम का मतलब कोई कमजोर सा आदमी है बेचारा, बहुत सीधा है,
उसमें कोई भी चांटे मार के भागा देता है, वो सीधा चला जाता है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं है। उसको किसी ने बुलाया कि बेटा यहाँ, तो वो पास में आ जाता है। उसको चांटा लगा दिया, चला जा, तो वो चला जाता है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो इसलिए परीक्षण आवेश की कल्पना करनी पड़ी। तो सर जो मेन आवेश होगा हमारा, उसको क्या नाम दिया? उसको नाम दिया बेटा, जो मेन आवेश है उसको नाम दिया उन्होंने स्त्रोत आवेश। स्त्रोत आवेश कि सर स्त्रोत आवेश कौन सा होगा? जिसका विद्युत क्षेत्र होगा। जिसका क्या होगा? विद्युत क्षेत्र, जो अपना एक क्षेत्र लेकर घूम रहा है, यानी जो अन्य आवेशों को अपनी तरफ या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। कब? जब वह आवेश इसके क्षेत्र में एंटर हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो फेराडे ने क्या किया? फेराडे ने एक कल्पना करी, और कल्पना में क्या माना कि भाई मान के चलो मुझे इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इन्होंने कहा कि आप जहां भी विद्युत क्षेत्र निकालो वहां इस परीक्षण आवेश को रख दो। किसको रख दो बेटा? परीक्षण आवेश को। कि सर कैसे रखेंगे? मैंने कहा यहां विद्युत क्षेत्र निकालो, तो यहां विद्युत क्षेत्र बताओ कैसे निकाला जाएगा? कि सर यहां परीक्षण आवेश को आप रख दो, यहां हमने परीक्षण आवेश रखा, तो बताओ क्या यह आवेश इसको प्रतिकर्षित कर देगा? बिल्कुल कर देगा। अच्छा सर अगर यहां निकालना है तो बेटा यहां पर रख दो, क्या यहां प्रतिकर्षित करेगा? बिल्कुल करेगा। और आगे निकालना है और रख दो, तो ये क्या करता जाएगा बताओ? इसको प्रतिकर्षित करता जाएगा। समझ में आया? अच्छा सर अगर यहां निकालना है तो यहां भी बेटा प्रतिकर्षित करेगा, यहां भी क्या करेगा? प्रतिकर्षित 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 प्रतिकर्षित। कि सर आपके तीर जो हैं वो छोटे क्यों होते जा रहे हैं? तीर छोटे नहीं हो रहे बेटा। तीर का जो लंबाई है वो क्या बताता है? वो बता रहा है बल के परिमाण को, यानी कितना ज्यादा बल लग रहा है। अच्छा इसका मतलब सर अगर परीक्षण आवेश इस स्त्रोत आवेश के पास में होगा तो बल ज्यादा लगेगा। बल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और अगर ये स्त्रोत आवेश से बहुत दूर होगा तो बल कितना लगेगा? बल कम लगेगा। समझ में आई बात नहीं आई? सोचो ये तो ये जो आवेश है स्त्रोत आवेश वो परीक्षण आवेश को देखते ही क्या कर देता है? चलो निकलो, भगा देता है। अब आप खुद सोचें कि अगर ये जितनी पास में आएगा तो ज्यादा पास आ जाए तो हो सकता है चांटे भी लगा दे। ज्यादा पास में आके बिल्कुल ही खड़ा हो गया तो बहुत तेज बल लगेगा। अगर दूर खड़ा है तो आंख दिखा के भगाएगा, नहीं जा रहा, समझ में आ रही बात नहीं? और पास आ गया तो गुस्सा तो यही है, हाथापाई हो सकती है, समझ में आ रही बात नहीं? तो जितनी पास आएगा बल का परिमाण उतना ही ज्यादा होगा, जितनी दूर जाएगा बल का परिमाण उतना ही कम होता जाएगा। अच्छा सर तो सर ये जिधर जा रहा है ये परीक्षण आवेश आपका जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा को कहा उन्होंने विद्युत क्षेत्र की दिशा। फिर से सुन लें, यह केवल और केवल एक कल्पना है। जिस दिशा में परीक्षण आवेश आपका जाने लगा उस दिशा को उन्होंने क्या बोल दिया? कि यह विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो मतलब सर विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि हुई? बिल्कुल सदिश राशि हुई। अच्छा इसकी दिशा किधर आ रही है? जिस दिशा में परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है उधर आ रही है। लेकिन यह सब कुछ कैसा माना गया बेटा? एक काल्पनिक माना गया, क्योंकि अगर मान लो दूसरा भी स्त्रोत आवेश होता तो वो भी तो इस पर बल लगाता, तो दोनों आवेश क्या हो जाते? चल जाते। और सर दोनों आवेश चल जाते तो कहानी क्या हो जाती? खराब हो जाती। तो ये सब कल्पना के बारे में किसने बताया? ये सब कल्पना के बारे में बताया बेटा माइकल फेराडे ने। समझ में आया नहीं आया? तो विद्युत क्षेत्र के बारे में सबसे पहले हम अगर परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लिख लो इसको, लिख लो भाई, लिख लो। क्या कहा? किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह उसके अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कि सर ये तो प्रतिकर्षण ही महसूस कर रहा है मेरे बेटे, देख 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 देख, ध्यान से देखेगा तू अगर तो तेरे आएगा समझ में। देख 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 बेटा, अगर सोच माइनस क्यू, अरे स्त्रोत आवेश माइनस क्यू भी तो हो सकता है। कि सर आपने तो प्लस कहा था बेटा, प्लस तो हमेशा ये रहेगा। अच्छा अगर माइनस है तो ये तो इस परीक्षण आवेश को अपने पास बुलाएगा। सर बिल्कुल बुलाएगा बेटा, ये इसको क्या करेगा? मान लो यहाँ परीक्षण आवेश रख दिया तो परीक्षण आवेश को यह अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा, बिल्कुल आकर्षित करेगा।
बोलो, बात समझ में आई हो तो। आई बात समझ में नहीं आई? प्लस की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। और माइनस की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो किधर आ रहा है? अंदर की तरफ। बोलो, आई बात समझ में नहीं आई? क्या क्या समझ में आया आपको? आपको समझना यह है कि एक तो परीक्षण आवेश है, एक स्रोत आवेश है। उसके बाद क्या पढ़ना है अपने को बेटा, कि प्लस की वजह से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अभी मैं इसको थोड़ा सा ही बना देता हूं, प्लस की वजह से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किधर आ रही हैं बताओ? वो आ रही हैं बेटा आपके बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर तथा माइनस की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती हैं, याद रख लें। अच्छा, विद्युत क्षेत्र जो है वह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। सर एक बात तो हमारे समझ में आई कि आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र है, और भाई ये बल भी लगाएगा, ये भी समझ में आ रहा है कि बल ज्यादा लगाएगा पास होगा तो, और दूर होता जाएगा तो बल का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। लेकिन एक बात बताओ कि विद्युत क्षेत्र को हम नापेंगे कैसे, कि कितना विद्युत क्षेत्र है? असल में विद्युत क्षेत्र हमें पता तो चल रहा है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, कि जो बल लग रहा है वही विद्युत क्षेत्र है। लेकिन विद्युत क्षेत्र को नापने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब विद्युत क्षेत्र को मेजर करने के लिए एक नई टर्म बनाई गई जिसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सुने देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शायद आपको पता चल गया होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कि सर जो बल लग रहा है परीक्षण आवेश पर वो ही विद्युत क्षेत्र है। समझ में आया नहीं आया? तो तीव्रता क्या लिखूंगा बताओ? तीव्रता को लिखा जाता है बेटा वेक्टर ई से। क्या लिखेंगे? कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सिंपल लॉजिक, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। समझ में आ गया? अच्छा सर इसका मात्रक और बता दो तो अच्छा लगेगा। बताओ मात्रक क्या होगा इसका? कि सर मात्रक होगा इसका, एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो क्या आ गया? न्यूटन बटे कूलाम। इसकी बेटा विमा भी याद रखना, इसकी क्या भी याद रखना? विमा भी याद रखना, क्योंकि सवाल बोर्ड में बहुत सी बार ऐसे आ जाता है कि उस भौतिक राशि की परिभाषा लिखिए जिसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम है। इसका एक और मात्रक होता है, वो हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। विमा, विमा निकालें तो बल की विमा क्या होती है बताओ? बल की विमा होती है M1 L1 T-2। याद रख लो इसको तो, बल की। तो बेटा बल की तो जो कच्चे बच्चे हैं और पक्के बच्चे हैं सबको याद होनी चाहिए, बल की और ऊर्जा की। फिर आप सबकी विमा निकाल सकते हो, हम निकाल के बताएंगे। दो से केवल दो याद रख लो, बाकी सारी विमा अपन निकाल देंगे। तो बल की याद रख सकते हो आप। कूलाम, भैया आवेश पढ़ रहे हैं तो कूलाम की तो आपको याद होनी चाहिए। क्या होती है कूलाम की? बोलो, A × T। अच्छा सर अब क्या करना है? अब तो कुछ भी नहीं करना, अपने आप होगा। देख ऊपर बड़ा ब्रैकेट, ऊपर बड़ा ब्रैकेट, M1 M1, सर L1 L1, सर T-2 तो ऊपर है और T की पावर 1 नीचे भी तो है, तो ये 1 ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 1 बेटे ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो -2 और -1, ओहो -3, और A की पावर 1 नीचे है, A की पावर 1 ऊपर आएगी तो A की पावर -1। ये क्या निकाल दी बेटा हम लोगों ने? ये निकाल दी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह एक सदिश राशि है। दूसरी बात क्या बताया? इसकी विमा क्या होगी? M1 L1 T-3 और A-1। आगे बात समझ में नहीं आ गई? धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है बताओ? बाहर की तरफ। ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है? अंदर की तरफ। अब सोचो आप E बराबर F अपॉन Q है, तो अगर मैं इसी से बल निकालना चाहूं, अगर मैं इसी से बल निकालना चाहूं तो बल क्या निकलेगा बताओ? F = Q0 × E। F = Q0 × E। कि सर ये है क्या? अरे मेरे बेटे ये वही है। क्या है? अरे ये तो वही है। क्या है? बल है ना, बल। किसमें? क्यू आवेश पर। किसमें? विद्युत क्षेत्र में। मतलब सर अगर क्यू आवेश को आप किसी विद्युत क्षेत्र में रख दोगे तो उस पर बल कितना लगेगा? बल लगेगा F = Q0 × E। समझ में आई बात नहीं आई? मान के चलो, आपके पास में बेटा यह हमने कह दिया कि यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। क्या है ये बेटा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं।
और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आ रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा आ रही है अगर इधर। अब मान लो अगर आप इसमें कोई प्लस क्यू आवेश को रख देते हो, मान लो आपने क्या रखा, प्लस क्यू आवेश रखा, तो आपको याद होना चाहिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताओ कहां से निकलती हैं, कि सर प्लस से निकलती हैं, और जाती कहां पर है, कि सर जाती माइनस पे है। तो ध्यान से देखना इसको, मैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा गुणधर्म में, लेकिन एक बार बल आ गया है तो बल को यही क्लियर कर देता हूं कि बेटा ये देखो प्लस था, प्लस से कहां निकल रही थी बताओ, कि सर प्लस से तो निकल रही थी बाहर की तरफ, और माइनस पे बताओ किधर हो रही थी, कि सर माइनस पे आ रही थी अंदर की तरफ, माइनस पे कहां आ रही थी अंदर की तरफ, तो प्लस से माइनस की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कहां से कहां होती है बताओ, कि सर प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, दिशा होती है। अब मैंने आपसे ये कहा कि हरा हरा जो दिख रहा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और आप देख पा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र सर इधर जा रहा है, और सर ने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस होती है, ये लाइन इधर जा रही है, मतलब इधर प्लस चार्ज होगा। अच्छा मतलब सर आप कह रहे हो, मतलब आप कह रहे हो कि इधर तो प्लस चार्ज होगा, और इधर कौन सा चार्ज रहा होगा, इधर कहीं माइनस हो रहा होगा, अभी तो प्लस से तो निकल रही है, ये कहां की तरफ जा रही है, माइनस की तरफ। अब बताओ इस विद्युत क्षेत्र में अगर मैं प्लस क्यू आवेश को रख देता हूं तो इस पर कितना बल लगेगा, कि सर प्लस वाला आवेश रखा हुआ है, बल तो ये लगेगा, जो आवेश रख देते हैं वो आवेश आ जाता है, कि सर बल का सूत्र तो हो गया F बराबर क्यू ही। अच्छा F बराबर क्या रख दिया मैंने, क्यू ही, ये तो किसका मान हो गया बताओ, बल का मान हो गया। अच्छा लेकिन सर ये बल इस विद्युत इस आवेश पर किस दिशा में लगेगा, अगर प्लस है तो प्लस किधर जाएगा बताओ, प्लस जाएगा सर माइनस की तरफ, अरे प्लस जाएगा माइनस की तरफ, तो प्लस आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, लिख लेना इसको, लिख लेना प्लस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। अगर इसी की जगह अगर माइनस आवेश आ जाता है, इसकी जगह कौन सा आवेश आ गया, इसकी जगह आ गया अगर आपके पास में माइनस आवेश, तो बताओ माइनस किधर जाएगा, कि सर माइनस तो इधर आएगा बिल्कुल, और बल कितना लगेगा, एफ बराबर क्यू ई, क्यू आवेश जो विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है उस पर कितना बल लगता है, एफ बराबर क्यू ई। अच्छा तो सर इसकी दिशा तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, तो यहां पर कौन सा साइन लगा दो आप, अगर विपरीत दिशा आती है तो यहां कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। बल का मान कितना होता है, एफ बराबर क्यू ई या फिर एफ बराबर ई क्यू, जैसे भी याद रखना चाहो, फेक एफ ई क्यू, फेक फेक पीपल आई डोंट लाइक। एफ बराबर क्या हो गया, क्यू ई, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। अच्छा बात आई समझ में नहीं आई, बोलो अरे बात समझ में आ गई है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ा चुके हैं आपको, तीव्रता क्यों पड़ी ये तो पता होना चाहिए, तीव्रता क्यों पड़ी ये पता है कि नहीं आपको, बहुत बढ़िया। चलो अब बढ़ते हैं बेटा हम लोग, कि सर तीव्रता के बारे में पता चल गया, अब हम आपको अगर कोई एक आवेश दे दें तो उसकी वजह से आप r दूरी पर तीव्रता निकाल के बताओ, इसके बारे में पता चल जाता तो मजा ही आ जाता। तो मजा दिलाने के लिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अगला टॉपिक है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि सर तीव्रता तो लिखा हुआ नहीं है यहाँ, बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको अपन विद्युत क्षेत्र ही बोलेंगे, लेकिन होगा क्या, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होगा। समझ में आई बात, तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, कितनी दूरी पर बेटा, आर दूरी पर। तो ध्यान से सुनते हुए चलना, बड़े ध्यान से, ये समझ लिया तो खत्म कहानी। तो बेटा आप क्या करोगे, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जिसके कारण आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, कौन सा बिंदु स्थित है बेटा, P, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। लाइन कर लो, लाइन कर लो बेटा, ये वाली आप पूरा चैप्टर इसी लाइन से निकाल दूंगा तुम्हारा, तो थ्योरी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़नी, मतलब एक बार पढ़ लो कहानी खत्म खत्म। क्या क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, माना एक बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये वाली लाइन लिखवा दूंगा जितने भी डेरिवेशन है सभी में, तो थ्योरी तो याद करनी नहीं है। जो बच्चे घबराते हैं कि सर हिंदी भी लिखनी पड़ेगी क्या, लिख ले वाली लाइन, बस इसी से पूरा चैप्टर तेरे को करवा देंगे, हिंदी की जरूरत नहीं है। फिर तू गणित गणित लिख लेना, फिर गणित में दिक्कत आ जाएगी कि सर गणित तो समझ में ही नहीं आती, अभी पहुंचू आ जा देख। अब भाई बिंदु, इसकी वजह से सर विद्युत क्षेत्र निकालना है,
अब याद करो आप पुरानी बातों को। अरे सर पुरानी बातें कैसे याद करें? अब याद कर बेटा क्या पढ़ाया मैंने तेरे को, पता क्या पढ़ाया? कि सर जहां माइकल फेराडे ने बता क्या बताया तुझे, माइकल फेराडे ने सर ये बताया कि जहां भी आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां पे परीक्षण आवेश को ले जाकर रख दो। अच्छा रख दूं क्या? तो सर यहाँ निकालना है तो यहाँ रख दूं क्या? यहाँ रख दूं क्या? यहाँ रख दे ले, किसी ने मना करी? घबराया मंत्र बिल्कुल, यहाँ रख दिया सर आपने परीक्षण आवेश। ठीक है, अच्छा क्या प्लस क्यू आवेश है? हाँ सर प्लस क्यू आवेश है। इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र किधर होगा? कि सर इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र जो होगा वो तो बाहर की तरफ होगा, होगा नहीं होगा बताओ बाहर की तरफ? कि सर बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये वाला प्लस क्यू आवेश इस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और इस पर बल लगाएगा, और इस पर क्या करेगा? बल लगाएगा। तो इस पर बल किधर लगाएगा? कि सर इस दिशा में लगाएगा, और जिस दिशा में बल लगाता है उस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। अरे बल की दिशा में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। तो बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा तो हमने निकाल दी, बहुत अच्छा किया। अब क्या निकालेंगे? इसका परिमाण। यह होगा हमारा तरीका। हम सदिश को सदिश के रूप में नहीं लेकर के अदिश रूप में सारे डेरिवेशन करेंगे और लास्ट में उसका सदिश रूप लिख देंगे, जिससे आसान हो जाएगा। बात आई समझ में नहीं आई? तो अब क्या करेंगे बताओ? क्यू आवेश पर लगने वाला बल हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ कितनी होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कि सर E बराबर F अपॉन कौन सा आवेश पर लग रहा है बल? Q नोट पर, तो जिस पर लग रहा है उसको लिख दो। अच्छा सर, अब सर बल कैसे निकालोगे आप? अरे बल कैसे निकालोगे? बल बेटा वैसे ही निकालेंगे कि कैसे, आज से कुछ समय पहले एक साइंटिस्ट आए थे कूलाम, इससे पहले वाला वीडियो देख लो, नहीं देखा हो तो। कूलाम का बल, कूलाम ने क्या कहा? दो आवेश r दूरी पर स्थित हों तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना होता है? F बराबर k, पहला आवेश कैपिटल Q, दूसरा आवेश स्मॉल Q नोट, बीच की दूरी का स्क्वायर, r का स्क्वायर, r का स्क्वायर। तो E बराबर k Q Q नोट अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे क्या लिख दो बेटा? स्मॉल क्यू नोड है, स्मॉल क्यू नोड। अच्छा सर, तो क्या क्यू नोड से क्यू नोड निकल गया? निकल गया। तो ई बराबर सूत्र आ गया आपके पास, के क्यू बटे आर स्क्वायर, अबे के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये डेरिवेशन खत्म, खत्म। ये डेरिवेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। ई बराबर फॉर्मूला क्या आ गया बेटा तेरे पास? ई बराबर फॉर्मूला आ गया के क्यू बटे में आर स्क्वायर। लेकिन सर यह तो अदिश रूप है। हाँ यह तो अदिश रूप है, तो इसका सदिश रूप कैसे लिखूंगा? मैं इसका सदिश रूप कुछ ऐसे लिखूंगा, वेक्टर E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। अच्छा दिशा किधर है? कि सर हम यहाँ खड़े थे, यहां से हम चले आर की तरफ, यहां से हम चले डिस्टेंस की तरफ, तो डिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र भी उधर ही आ रहा है। मतलब यहां सर आप लगा दो आर कैंप, यहां आप लगा दो, तो वेक्टर E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू में आर के। कि सर अगर यहां पे माइनस क्यू आवेश होता, सुन 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 सुन, अगर यहां कौन सा आवेश होता? माइनस क्यू आवेश होता, तब क्या होता? तब भी कुछ नहीं होता, तब क्या हो जाता बता देना मेरे को। ला यहां निकालना है तेरे को आर दूरी पर, यहां किसको रख दे? परीक्षण आवेश को रख दे। अब ये इसको बुलाएगा, आ जा, ये इसको क्या करेगा? बुलाएगा। तो सर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई। तो सर फॉर्मूला तो यही आएगा, फॉर्मूला तो यही आएगा के क्यू बटे आर स्क्वायर। लेकिन सर हम आर में तो इधर जा रहे थे, लेकिन विद्युत क्षेत्र किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। तो सर ये तो विपरीत हो गया, अरे ये तो विपरीत हो गया, ये तो विपरीत हो गया, ये तो क्या हो गया? ये तो विपरीत हो गया। तो विपरीत के लिए सर आप लगा दो माइनस का आर के। ओहो अबे झंडू बाम, समझ में आ गया क्या तेरे? क्या पढ़ा हमने आपको? कोई एक आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र आपको निकालना हो तो हल्के से निकल जाएगा, पता ही नहीं चला। कैसे निकलेगा? E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। अब सुनो थोड़ी सी बात, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये वाला याद रखें या ये वाला याद रखें? बेटा ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, बेसिक, ये तो बेसिक है तुम्हारा। कि क्या? जिस आवेश पर बल लग रहा है वो आवेश आता है इस वाले फॉर्मूले में, और जिसके कारण लग रहा है वो आएगा इसमें। तो जिसके कारण की क्यू के कारण, तो हमारे पास सवाल जो बनेंगे, डेरिवेशन बनेंगे, यही बनेंगे कि इसके कारण इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो कौन सा फॉर्मूला याद करना है हमें? ये वाला याद करना है। बोलो आगे बात समझ में नहीं आ गई? तो ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। चलिए जगह है क्या? एगी
अब हम देखेंगे इसका ग्राफ कि सर ई जो है वो दूरी पर कैसे निर्भर करता है। आप देखें अगर यहाँ तो ई बराबर बोलो फॉर्मूला क्या आया कि सर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, कि सर ये तो दोनों कांस्टेंट रहेंगे किसी एक टाइम पर, हाँ कांस्टेंट रहेंगे, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब दूरी जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। यही तो हमने पढ़ा था कि दूरी बढ़ाते जाओ विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, यानी आवेश को जैसे जैसे तुम पास लाओगे तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा, दूर ले जाते जाओ तो विद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा उसका कम होता जाएगा, विद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा विद्युत क्षेत्र उसका कम होता जाएगा। बात आई समझ में नहीं आई? बिल्कुल आ गई सर। विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा तो इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करें, पीला पेन ले लेते हैं, ये लो ये हो गया बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ। ये क्या है आपका, ये है वेक्टर ई, सॉरी ई लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख लो आर। ग्राफ कैसे बनेगा, ये बन गया आपका ग्राफ ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो सर विद्युत क्षेत्र कितनी जगह घेरता है, जैसे एक डॉगी है वो एक मोहल्ला कवर करता है, एक शेर है वो एक जंगल कवर करता है, और एक आवेश, आवेश का मान कहां पे जीरो होगा, तो आवेश का मान कहां जीरो होगा बेटा, अनंत पे। कहां पे जीरो होगा, अनंत पे। तो ये तो शेर का भी बाप है, आवेश क्या है शेर का भी बाप है, बब्बर शेर, उससे भी तगड़ा आवेश। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कहां पे जीरो होगा बताओ, अनंत पे जीरो होगा, और जितनी पास लाते जाओगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा। क्लियर है वाली बात आपके? तो ये था हमारा विद्युत क्षेत्र। अब सर अगर बहुत सारे आवेश आ जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? अगर बेटा बहुत सारे आवेश आ गए तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? चलिए तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बहुत सारे आवेश आ जाते हैं तो उनका विद्युत क्षेत्र हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो आइए आइए, आपका इंतजार था बेटा। सुनो, मान के चलो यहां पर है प्लस क्यू वन आवेश, यहां पर है प्लस क्यू टू आवेश, यहां पर है प्लस क्यू थ्री आवेश, इसी तरीके से क्यू एन आवेश हैं, पहले तीन के लिए लिखते हैं। इन सब की वजह से हमने कहा कि कोई बिंदु पी स्थित है बेटा, यहां पर कोई बिंदु पी स्थित है, किस जगह, मान लो यहां स्थित है, ये बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर इन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। तो बेटा सबकी वजह से तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक की वजह से तो पता है ना कि सर वो तो हमें पता है, अभी निकाली थोड़ी देर पे, वो तो हमें पता है कि कितनी होती है बताओ, क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, एक का तो हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या करें सर, वही करेंगे बेटा जो अध्यारोपण के सिद्धांत में किया था हम लोगों ने, जब बहुत सारे आ जाएं तो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है कि सर किस तरीके से, बेटा सोच यहां विद्युत क्षेत्र निकालना है, यहां विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो यहां हम किसको रख देंगे, यहां रख देंगे परीक्षण आवेश को। अब रखना नहीं है, आप हर बार रखोगे नहीं, हर बार रखोगे तो दिक्कत आएगी उसके अंदर, है ना। अब तो बेटा मन में रखना है, मन में रख ले तो प्लस की वजह से बता विद्युत क्षेत्र किधर हो गया, कि सर बाहर की तरफ, इसको मान ले वन की वजह से ई वन, अच्छा ऐसे ही क्यू टू की वजह से इधर होगा, बिल्कुल होगा, ये कितना हो गया, ये हो गया सर ई टू, इसी तरीके से क्यू थ्री की वजह से होगा, बिल्कुल होगा सर, कितना मान ले इसको ई थ्री, ये बिंदु हो गया तेरा पी, ये दूरी तू मान ले बेटे क्यू वन के कारण दूरी मान ले आर वन, ये दूरी मान ले आर टू, ये दूरी मान ले आर थ्री। अब मुझे एक बात बता कि पहले आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो ई वन आ रहा है, ये तो तू जानता है कि क्या जानता है, अरे मेरे बेटे अभी बताया मैंने क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो ई वन लिख दे, ई वन लिख दे, क्या लिखेगा, क्यू वन के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र, पता कितना होगा जल्दी से, कि सर ई वन होगा, अच्छा वेक्टर ई वन बराबर के क्यू वन बटे आर वन का स्क्वायर, डायरेक्शन क्या आएगी बताओ, आर वन केप, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सेम इसी तरह क्या लिखोगे आप, सेम इसी तरह लिखोगे क्यू टू के कारण, क्यू टू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र कितना लिखेगा बताओ, कि सर वेक्टर ई टू बराबर के क्यू अपॉन आर टू का स्क्वायर आर टू केप। इसी तरीके से अगर मान ले यहां पर तेरे पास कितने आवेश हैं, कि सर एन आवेश हैं, क्यू एन, एन का मतलब चार पांच छह सात जितने भी, और ये दूरी कितनी लगा ले तू, आर एन लगा ले, तो क्या लिखेगा यहां पर, कि सर क्यू एन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पता कितनी हो जाएगी, ई एन बराबर के क्यू, अबे एक मिनट रुक जा मेरे बेटे, वन टू, यहां पे एन लिखेगा आर, अब क्या आएगा एन
का स्क्वायर और आर एन कैप। बोलो, अब इन सब की वजह से आपको बिंदु पी पर निकालना है, तो सबकी वजह से जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा कि सर ई बराबर सबको जोड़ दे, वेक्टर ई वन प्लस वेक्टर ई टू और प्लस ई एन कर देता हूं, बेटा डायरेक्ट है ना, लंबा हो जाएगा वरना, प्लस डायरेक्ट क्या कर देता हूं, ई एन कर देता हूं, प्लस डेट 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 प्लस ई एन। अगर ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, तो सर कैसे लिखें इसको, बेटा वेक्टर फॉर्म में लिख लेना। बताओ ई वन कितना है, के क्यू वन अपॉन आर वन का स्क्वायर आर वन के, अच्छा के क्यू टू अपॉन आर टू का स्क्वायर आर टू के, प्लस प्लस के क्यू एन अपॉन आर एन का स्क्वायर आर एन के। यस माय डियर, आ गया समझ में? अरे तेरे को एक की वजह से आ गया तो तू सौ की वजह से भी निकाल सकता है। ये क्या निकल गया, विद्युत क्षेत्र निकल गया। क्लियर है, के की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, वरना यहां तक छोड़ सकते हो। अच्छा सुन, एक चीज जो बताता हूं तेरे को, बहुत लास्ट चीज सुन ले, देख लास्ट देख, अब तू देख 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 एक चीज मुझे बता दे बस, खाली ये बता देगा ना तो मैं तेरे को क्या बताऊं, मतलब देख सोच, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, बता तेने बचपन में एक चीज देखी होगी जिसको तू सिग्मा सिग्मा कह के चिल्लाता होगा कि सर ये तो सिग्मा है, ये तो सिग्मा है। अरे सिग्मा का मतलब क्या होता है, समीशन, 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 सम 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 का मतलब जोड़ हो रहा है। हाँ सर जोड़ तो हो रहा है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, मैं कहूँ इसको और ले जा आगे तो तू ले जा सकता है, प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स सिक्स प्लस एक्स सेवन, इसका मतलब सर एक्स कॉमन आ रहा है तो चेंज क्या हो रहा है, नीचे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो जो चेंज होता है ना उसकी जगह आप लिख दो आई, क्या लिख दो आई, और आई का मान कहाँ से शुरू हो रहा है, आई का मान शुरू हो रहा है वन से, कहां तक जा रहा है, थ्री तक, ठीक है। अब देख ऐसा ही इसमें करेंगे कि सर क्यों करोगे, सोच तू आप, के क्यू वन बटे आर वन का स्क्वायर, क्यू टू बटे आर टू का स्क्वायर, क्यू थ्री अपॉन आर थ्री का स्क्वायर, इसका मतलब सर यहां पे के है, ये क्या है, क्यू अपॉन आर का जो भी का स्क्वायर है, और यहां पे आर के, यहां वन है वन है वन है, टू है टू है टू है, एन है एन है एन है, यहाँ स्क्वायर और लगा दो, तो बेटा जो चीज चेंज हो रही है उसकी जगह बताओ आप मुझे क्या लिख दोगे, आई लिख दोगे, आई आई आई, और आई के वैल्यू कहां से, वन से लेके एन तक। तो ये हो जाता है आपका बहुत सारे आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे बात समझ में नहीं आ गया, क्लियर? तो ये विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा गुण। कि सर विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो आपने बता दी कि ये फेराडे ने बनाई थी, किसने बनाई थी, फेराडे ने। तो जो फेराडे थे ना, फेराडे इनको कहते थे विद्युत बल रेखाएं, लेकिन अब आजकल हम इसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं, आइए इनके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो हमें पता चला कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा अगर कोई सिंगल आवेश है तो किधर होती हैं बताओ, धनावेश के कारण लंबवत बाहर की ओर और ऋणावेश के कारण लंबवत अंदर की ओर होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के कारण बाहर की ओर और ऋणावेश के कारण अंदर की ओर होती हैं। एक बात याद रखना बेटा, हमेशा ये कैसे होंगी, लंबवत होंगी। कि सर लंबवत का मतलब क्या है, मान लो ये आपके पास प्लस क्यू आवेश है तो ऐसा नहीं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से हो जाएं, यानी एक ही पॉइंट से चारों दिशाओं में निकल रही हैं। कि सर ये भी तो बाहर है, ये बाहर तो है लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, हमेशा इस पृष्ठ के क्या होती हैं वो लंबवत। लंबवत मतलब सर ये देखो, ये लंबवत यानी 90 डिग्री कोण, ये देखो 90 डिग्री का कोण, ये जा रही है 90 डिग्री का कोण, यहां निकल रही है 90 डिग्री का कोण, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लंबवत रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं, पहली बात तो पृष्ठ के। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको, कि दूसरी बात क्या है, प्लस की वजह से हमेशा किधर होंगी, ये बाहर की ओर, और माइनस के कारण किधर होती हैं, यह अंदर की ओर होती हैं। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो कहां से कहां होती है, बताओ कि सर विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर और ऋणावेश के पास होती है, मतलब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ होंगी, धनावेश से ऋणावेश की तरफ होंगी,
ये देखो ये कहां से आ रहा है, ये यहां से जा रहा है, तो ये घूम के कहीं बहुत ज्यादा दूर से यहां आ रहा है। अच्छा ऐसे ही सर ये वाली निकल रही होगी, ऐसे ही ये वाली निकल रही होगी, और ये निकल के यहां आ रही होगी, और ये निकल के यहां आ रही होगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की तरफ होती हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। अच्छा भाई अब एक बात आप हमें बता दो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस के। दूसरी बात बेटा, अगर मान लो सर ये कर्व बन गया, ये क्या बन गया कर्व, ये क्या है कर्व है हमारे पास, बिल्कुल है कि सर अगर इस पॉइंट पर मुझे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो आप क्या करो इस पर बेटा टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यानी ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अगर सर मुझे इस पॉइंट पर निकालनी है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये क्या हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। यानी आपका अगर रास्ता कर्व वाला है तो कर्व पे आप पर्टिकुलर टाइम पे डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वहां पर आप क्या ड्रॉ कर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन बताएगी वो किसको बता देगी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई, अब जो इसका नेक्स्ट गुणधर्म है वो बेटा इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में भी आ जाता है। कि मान के चलो आपने दो धनावेश ले लिए, ये प्लस और ये दूसरा प्लस, तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है लंबवत बाहर की तरफ होती है। तो मैं कोई भी दो बल रेखाएं ले लेता हूं, मान लो इसकी वजह से निकल रही है इधर और इसकी वजह से निकल रही है इधर, दोनों निकलेंगी तो दोनों सर एक पॉइंट पर क्या कर देंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे। अच्छा सर लेकिन इस पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं तो विद्युत क्षेत्र की बेटा दो दिशा आ जाएंगी। इस पॉइंट पर ये वाला चार्ज तो क्या कह रहा है कि दिशा इधर है, और यहां से देखूंगा तो मैं दिशा किधर आ रही है बताओ कि सर यहां से दिशा आ रही है इधर। अच्छा इसका मतलब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर आपस में प्रतिच्छेद कर देती हैं तो काटन बिंदु पर, जिस बिंदु पर वो काटती हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं जो कि संभव नहीं है। समझ में आया बात नहीं आया तो सवाल कैसे बनता है, या फिर आप लिख लो इसको, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे ऐसा करेंगी तो काटन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा तुम कहां रहते हो और तुम मुझे इशारा करो कि सर मैं इधर रहता हूं, इधर रहता है या इधर रहता है, हो सकता है तुम्हारे दो मकान हो लेकिन रहते तो आप एक ही जगह हो गए, या तो इधर रहते हो या इधर रहते हो। समझ में आया, ऐसे नहीं होगा कि सर मैं इधर रहता हूं आधा हिस्सा तो मेरा इधर चला जाता है और आधा हिस्सा मेरा, नहीं है ना पॉसिबल। तो ये कहां से पॉसिबल हो जाएगा, ये मुझे कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है कि यहां पर अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो वो यही इशारा कर रहा है शक्तिमान जो पॉसिबल नहीं है। यानी लिख लो इसको बेटा, बढ़िया सवाल बन जाता है यहाँ से एक नंबर का, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों, क्योंकि काटन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। बहुत बढ़िया, तो सर आखिर इनका होगा क्या, मान लो अगर दो धनावेश आपके पास आ गए, अगर सर दो धनावेश हमारे पास आ गए तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कर देंगी, समान आवेश होने की वजह से ये क्या कर देती है बेटा एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देती हैं, यानी क्या कर देती हैं दूसरे को, यह रिपेल कर देती हैं, टक्कर नहीं होती है इनमें भैया, ऐसा नहीं अड़ गए और टकरा गए, टक्करें नहीं होती बल्कि एक दूसरे को क्या कर देती हैं, यह रिपेल कर देती हैं। अच्छा सर मतलब ये जा रहे हैं तो मिलेंगी नहीं बल्कि ये क्या हो जाएंगी एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर निकल कर जाएंगे। अच्छा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या था बताओ कि सर ये तो काल्पनिक वक्र है, कि काल्पनिक वक्र कौन से हैं, मतलब सर परीक्षण आवेश जिधर जा रहा है उसी को मान लिया गया कि वही क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अच्छा तो बेटा दोनों आवेश, अब देख सोच रहे हैं तगड़ा टॉपिक तगड़ा बहुत बढ़िया, ये दोनों आवेश हैं, मान ले दोनों आवेशों का परिमाण समान है, ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, अगर मैं परीक्षण आवेश को बिल्कुल सेंटर में रख दूं, तो ये वाला आवेश इससे क्या कहेगा कि भाई इधर जाओ, और ये वाला आवेश किधर भगाएगा, ये वाला आवेश इसको इधर भगाएगा कि भाई इधर जाओ, तो बताओ ये आवेश किधर भी नहीं जाएगा अगर दोनों आवेशों का परिमाण समान है। तो
तो उनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र में एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। उस बिंदु को हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। लिख लो बेटा, लिख लो, इनको लिखते चलो। उस बिंदु को क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। एन, एन का मतलब न्यूट्रल पॉइंट। ये देखो, ये पेन है, इसको मैं इधर खींच रहा हूं और ये गया। अब इसको मैं इधर खींच रहा हूं और ये गया। अब देख, अभी भी मैं खींच रहा हूं लेकिन नहीं गया। अरे खींच तो रहा हूं, तो तेरे को तो ये रेस्ट में नजर आ रहा है। तुझे क्या पता मैं ताकत लगा रहा हूं कितनी? मैं बहुत ताकत लगा रहा हूं, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा भाई। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? उदासीन पॉइंट कहलाएगा। तो चलो धक्का देके देखता हूं मैं इधर और इधर, अभी भी नहीं आ रहा। मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया? मेरा उदासीन पॉइंट हो गया। तो ये उदासीन पॉइंट कहलाता है। समझ में आई बात? गई। नेक्स्ट, अगर बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर, और ओ दो दो पेन चल गए, एक सेकंड रुक जाओ बस खाली बेटा, है ना। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर और बराबर दूरी पर स्थित हैं, तो इस तरह के विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अच्छा सर, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है, उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कि मान ले ये है तेरा पॉइंट ए, ये है तेरा पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। इसका मतलब सर ई पर विद्युत क्षेत्र बराबर होगा बी पर विद्युत क्षेत्र के, बराबर होगा सी पर विद्युत क्षेत्र के। हाँ, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है। मतलब आप किसी भी पॉइंट पर देख लें, हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? एक समान होगा। अच्छा सर, तो असमान विद्युत क्षेत्र भी होता होगा? बिल्कुल होता है। मान लो इस तरीके से कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं दे रखी है तुम्हारे को, इस तरीके से कह दी हुई है आपको, कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं दे रखी हैं। मैं दो पॉइंट लेता हूं इसके अंदर, एक पॉइंट तो लिया बेटा मैंने ए और दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने कौन सा, मान लो यहां पर बी। तो आपको दिख रहा होगा ये एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर अलग होगी और बी पर अलग होगी, ये बराबर नहीं होंगी। कि बराबर अगर नहीं होंगी तो आप कुछ सोचो, बताओ किसकी ज्यादा होगी, किस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी? ए पर अगर आप देखो तो क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है और बी पर सारी एक साथ मिली हुई है, तो बी पर बेटा तीव्रता ज्यादा होगी और ए पर तीव्रता क्या होगी? कम होगी, क्योंकि बी पर पास पास है और जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। तो सर पास पास होने का मतलब तो हो गया उसका घनत्व ज्यादा हो गया। अरे विद्युत क्षेत्र रेखाएं सर पास पास हैं। देख बेटा, देख 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 दूसरा, कि सर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर पास पास हैं, मान लो इस तरीके से बना दिया मैंने, मान लो हमने ऐसे बना दिया, हमने दो पॉइंट लिए, हमने कितने पॉइंट लिए? दो। ये पॉइंट लिया सर ए और ये पॉइंट लिया बी। सर यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास पास हैं, बिल्कुल हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां ज्यादा होगी? ए पर ज्यादा होगी, बी पर दूर दूर हैं, तो बी पर क्या होगी बेटा? कम होगी। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होती है घनत्व के। लिख लो इसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती है घनत्व के। सर घनत्व क्या होता है? अरे जो पास पास है तो घनत्व ज्यादा, दूर दूर है तो घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। बात ही समझ में नहीं आई। अगले पॉइंट पर आते हैं बेटा, अगले पॉइंट पर आते हैं, कहाँ है ये रहा लो, अगले पॉइंट पर आते हैं। याद रखना विद्युत क्षेत्र रेखाएं बेटा कैसे वक्र होते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे वक्र होते हैं? खुले। कि सर वक्र का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं बेटा वक्र। ये देखिए, इसको कहते हैं वक्र, यानी जो बंद हो जाए तो बंद वक्र और खुला रहे तो खुले वक्र। कि सर ये क्या है? ये बंद वक्र है और ये क्या है? ये खुला वक्र है। बात आगे समझ में नहीं आ गई? अब आओ, आओ खुले वक्र क्यों होते हैं? अब क्वेश्चन बेटा ये वाला बनता है दूसरा, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होते हैं क्यों? सवाल ऐसे आता है बेटा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होते हैं क्यों? क्यों होते हैं बताओ? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से प्रारंभ होती हैं बताओ? कि सर धनावेश से प्रारंभ होती हैं और वो कभी भी धनावेश पर खत्म नहीं होंगी, कभी भी धनावेश पर खत्म नहीं होती।
हाँ सर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो धनावेश से प्रारंभ होकर किस पर खत्म होती हैं बताओ? ऋणावेश पर खत्म होती हैं। और बंद वक्र कब होगा? जब भी कोई चीज जहां से शुरू हो वापस अगर वहीं खत्म हो जाए। एक मिनट, क्या हो गया? एक मिनट रुक जा रे। अगर कोई चीज मान लो इस पॉइंट से शुरू हुई, इस पॉइंट से शुरू कर, अब क्या हो रहा, किस चीज को मैंने इस पॉइंट से शुरू करा और इसी पर क्या हो गई, अगर ये खत्म हो गई तो ये कहलाता है बंद वक्र। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से शुरू होकर कभी भी वापस धनावेश पर खत्म नहीं होती हैं। अतः यह कैसे वक्र होते हैं? यह खुले वक्र होते हैं बेटा। कैसे वक्र होते हैं? खुले वक्र होते हैं, याद रख लेना ये वाली बात। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे वक्र होते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होते हैं। अच्छा, अगला देखें। दूसरा देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र, अगला देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। अरे तुम यार लिखते चलो इनको। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। कैसे? मान लो हमारे पास दो आवेश हैं, एक तो है प्लस क्यू और दूसरा है प्लस के टू क्यू। एक तो है प्लस क्यू और दूसरा है प्लस के टू क्यू। मान लो इससे हमने दो काल्पनिक रेखाएं बनाई तो इससे कितनी निकलेंगी? कि सर इससे चार निकलेंगी। अबे दो गुना है क्या? नहीं है। अगर प्लस एक क्यू से दो रेखाएं निकल रही हैं तो दो क्यू से कितनी निकलेंगी? चार। इसका मतलब यह मत समझ लेना कि सर दो क्यू से हमेशा चार ही निकलती हैं। अरे तो कल्पना है। अगर तू बेटा इससे चार मान के चले तो इससे कितनी निकालेगा बता? कि सर इससे आठ निकलेंगी डेफिनेटली। अगर इससे छह निकाल दें तो इससे कितनी निकलेंगी? कि सर इससे बारह निकलेंगी। समझ में आई बात? नहीं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परिमाण की क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो ये थे बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणधर्म। तो आज हमने सीखा कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। इसमें जो सवाल बनते हैं वो यह बनेंगे, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन तीव्रता की, मात्रक और विमा। दूसरा क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई भी दो गुणधर्म लिखिए। एक नंबर का सवाल। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। एक नंबर का सवाल। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होते हैं क्यों? एक नंबर का सवाल। ये सवाल हमारे यहां से बनते हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बाकी पढ़ना तो आपको एक बार पूरा है। आई होप आपके पूरा समझ में आ गया होगा। यहीं पर करते हैं समाप्त। तो चलिए, आपको कह देना चाहते हैं हम बेटा, थैंक यू। पढ़ाई करते रहो बढ़िया तरीके से, बिंदास मस्त होकर के। हिंदी माध्यम में हमने आपके लिए वीडियो डाली है। थैंक यू। चलो भाई। चाहते हैं बस आज का लेक्चर यहीं पर करते हैं समाप्त। तो चलिए, आपको कह देना चाहते हैं हम बेटा, थैंक यू। पढ़ाई करते रहो बढ़िया तरीके से, बिंदास मस्त होकर के। हिंदी माध्यम में हमने आपके लिए वीडियो डाली है।